नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। सबसे पहली खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 71 सीटों पर हो रहा मतदान खत्म हो गया। शाम 5 बजे तक के मतदान प्रतिशत के अनुसार 48 विधानसभा क्षेत्रों में 50% से अधिक वोटिंग हुई है। जमुई में सबसे अधिक 97.7% वोट पड़े हैं, तो सबसे कम वोटिंग वाला जिला मुंगेर जहां पर 43.64% रहा है। इन 71 में से 4 सीटों पर मतदान 3 बजे खत्म हो गया था, जबकि 26 सीटों पर शाम 4 बजे और 5 सीटों पर मतदान 5 बजे खत्म हो गया। शेष बची 36 सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 71 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। वोटिंग शुरू होते ही 50 से अधिक मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब होने की शिकायत आने लगी। रोहतास, कैमूर, आरा, बोधगया के कई बूथों पर ईवीएम को ठीक करने में 3 घंटे लग गए। वहीं मुंगेर के बूथ नंबर 231 पर ईवीएम में राजद प्रत्याशी का चिन्ह तो दिखा, लेकिन बटन नहीं था। इस वजह से मतदाताओं को मतदान करने में काफ़ी परेशानी हुई। वहीं पीरो के बूथ नंबर 13 पर ईवीएम 5 घंटे तक खराब, इसी तरह की शिकायत कई मतदान केंद्रों से मिली। अधिकतर जगहों पर ईवीएम को दुरुस्त किया गया था, वहां मतदान शुरू हो चुका था, लेकिन ईवीएम के ठीक होने तक कई जगहों लोग घंटों तक वोटिंग के लिए इंतजार करते रहे। गया शहरी विधानसभा क्षेत्र के स्वराजपुरी रोड स्थित बूथ पर महिलाओं ने हंगामा कर दिया। महिलाओं का आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कुछ लोग दबाव बना रहे थे। इसके बाद वे लोग मौजूद मतदान कर्मियों से उलझ पड़े, इससे बूथ पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। गया शहरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता और राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार प्रत्याशी है। कांग्रेस से अखोरीर अंकुर नाथ यहां मैदान में है। इस विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर प्रेम कुमार लगातार जीतते आ रहे हैं। उधर पटना जिले के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र और नवादा के हसनगंज सहित कई विधानसभा क्षेत्रों में लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। अगली खबर आरा से है, जहां नेताजी बैठकर वोट मैनेज कर रहे थे, तभी वहां पुलिस पहुंच गई और लाठी चटक दी। मामला शाहपुरा विधानसभा के सिमरिया ओझापट्टी गांव का है। इस गांव में वोटरों को मैनेज करने के लिए एक स्थानीय नेता अपने घर के बाहर वोट मैनेज करने में लगे थे। लोगों को एक अलग प्रत्याशी की तरफ वोट देने की अपील कर रहे थे। उसी समय स्थानीय थाने की पुलिस पहुँच गई और नेताजी पर लाठी चटका दी। अगली बड़ी खबर, राजद विधायक सरोज यादव पर आरा के बूथ संख्या 115 पर हमला हुआ। किसी तरह भागकर उन्होंने जान बचाई है। विधायक की गाड़ी का शीशा पूरी तरह से टूट गया है, हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बड़हारा के राजद विधायक सरोज यादव का कहना है कि उन पर हमला हुआ है। बूथ से बाहर आने पर उनकी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था। बताया जा रहा है कि सरोज यादव का पहले लोगों ने विरोध किया, इसके बाद भीड़ से कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया था। सरोज यादव भोजपुर के बड़हा से विधायक है, इस बार भी वो बड़हा से राजद उम्मीदवार है। तो चलिए अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 700, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 2,14,163 तक पहुँच गई है। बिहार में फिलहाल 9,853 कोरोना के एक्टिव मरीज है। तो वहीं अगर राजधानी पटना में बात करें तो राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 178 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में कोरोना से 7 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरने वालों का आंकड़ा 1,065 तक पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र का है। बलिया नगर पंचायत अंतर्गत मंसूर चक मोहल्ले में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। आरसीपी सिंह को देखते ही आक्रोशित लोगों ने सड़क पर बवाल कर दिया। वे लोग उन्हें अपशब्द कहने लगे। इस दौरान उनके सुरक्षा गार्डो ने जैसे तैसे भीड़ को हटाकर उनकी गाड़ी को निकाला, लेकिन इसके बाद नाराज लोग सभा स्थल तक भी पहुँच गए और उनके
संबोधन के दौरान उन्होंने काफी नारेबाजी की। कुछ लोगों का कहना है कि मुंगेर में हुए हत्याकांड वाली घटना को लेकर लोगों में नाराजगी थी। बताया जा रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे थे वे लोग पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार दौरान बुधवार को एक रैली में विपक्षी महागठबंधन पर प्रहार करते हुए उस पर विकास के कोष में हेराफेरी करने और बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज बिहार के सामने कोरोना वायरस महामारी से निपटने और बिहार को बीमार करने वाली ताकतों से निपटने की दोहरी चुनौती है तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में एक एक वोट जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इन लोगों के आने का मतलब है नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी बिहार से भाग जाएगी। प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझा जाता है कि उनका संकेत बिहार में लालू प्रसाद के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती राजद सरकार के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर था। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने भाषणों में वह दूसरे देशों की बात करते हैं, लेकिन अपने देश के समक्ष पेश आ रही बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर कुछ नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में बने कृषि कानूनों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आमतौर पर दशहरे में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन पंजाब में इस बार प्रधानमंत्री और अंबानी अडानी के पुतले जलाए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस बार पूरे पंजाब में दशहरे पर रावण नहीं, नरेंद्र मोदी, अंबानी और अडानी का पुतला जलाया गया है। राहुल ने कहा, यह दुख की बात है, लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसान परेशान है। पहले चरण की 71 सीटों पर हुए मतदान पर अपनी प्रतिक्रिया में प्रदेश जदयू अध्यक्ष व सांसद वरिष्ठ नारायण सिंह ने दावा किया कि बिहार की 16 जिलों की जनता ने इस चरण में एनडीए सरकार की वापसी तय कर दी है। कहा कि चुनाव के प्रथम चरण ने बिहार के आवाम का मिजाज बता दिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर अपार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार की वापसी होने जा रही है। तो वहीं इसके विपरीत महागठबंधन ने दावा किया है कि पहले चरण में वोटरों के उत्साह से पता चल गया है कि चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बननी तय है। पहले चरण में 55 सीटों पर महागठबंधन की जीत पक्की है, यह संख्या बढ़ भी सकती है। राजद, कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन ने यह दावा किया है कि सत्ताधारी इकाई अंक में सिमट जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन गठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ता इस फॉर्मूले को याद रखें कि जब तक विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बिहार से बेरोजगारी को खत्म करने का संकल्प लिया है। मंगलवार को नौकरी संवाद में तेजस्वी ने 10 लाख बेरोजगार को सरकारी नौकरी देने का रोड मैप रखा। नौकरी संवाद में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लाखों पद खाली है। सूबे में शिक्षक, नर्स, कंपाउंडर, इंजीनियर की कमी है। बिहार के पुलिस महकमे में भी कई पद खाली है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में 10 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए कलम चलेगी, बिहार के 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि इस बार एक साथ समाज के सभी लोग खड़े हैं। एनडीए की ओर से तरह तरह की साजिशें रची गई है, लेकिन मैं मुद्दे के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि समाज के हर एक तबके को वो साथ लेकर चलना चाहते हैं, चाहे वो स्वर्ण जाति को या अल्पसंख्यक हो, फिर दलित महादलित हो। उन्होंने बताया कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के साथ साथ समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर चलेंगे। वहीं दूसरी ओर कल तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी के बेलसंड विधानसभा में जनता को संबोधित किया। अपनी जनसभा में तेजस्वी ने ऐलान किया कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो बिजली का बिल आधा करेंगे और किसानों का कर्ज भी माफ कर देंगे। हालांकि इसलिए तेजस्वी यादव अपनी कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने का भी वादा कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सूबे में विधायकों पर हमले का सिलसिला जारी है। एक बार फिर से एक जदयू विधायक के ऊपर चुनाव प्रचार करने के दौरान हमला हुआ है। यह घटना अजीमाबाद के चिपुरा गांव की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जदयू के विधायक और अगिया गांव सुरक्षित विधानसभा सीट से प्रत्याशी प्रभुनाथ राम अपने काफिले के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान ही उनके काफिले पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि विधायक सोमवार की देर शाम अजीमाबाद के गांव प्रचार करने गए थे। इस दौरान ही ग्रामीणों ने घेर लिया और उनको काला झंडा दिखाया और उनके गाड़ी पर पथराव किया।
और अंत की सबसे बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर के सकरा में एक चुनावी रैली के दौरान कुछ लोगों ने सीएम नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए और भीड़ में से किसी ने नीतीश कुमार की तरफ चप्पल भी उछाली। हालांकि चप्पल सीएम तक नहीं पहुंची। सीएम के कार्यक्रम में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि एक दिन पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुजफ्फरपुर में हुई एक अन्य सभा में भी मुर्दाबाद के नारे लगे थे। उस वक्त सीएम मंच पर ही थे और वो भड़क गए थे। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब